सो हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल में फिर से आपका स्वागत। सो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो दोस्तों, बिहार सरकार उद्यमी योजना का ऑनलाइन 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस आवेदन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, ताकि आपको इसको ऑनलाइन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, क्योंकि पिछले बार इस फॉर्म को बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ ही लोग का इसमें सिलेक्शन हो पाया और कुछ ही लोगों ने इसका लाभ उठा पाया। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का सच में लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप इस योजना का लाभ उठा सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उद्यमी योजना होता क्या है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार उन लोगों को 10 लाख रुपए का अनुदान राशि देते हैं, मतलब लोन के रूप में उन लोगों को 10 लाख रुपए का लोन देते हैं जो अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके पास स्किल है। अगर वो स्टार्टअप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। आपको 10 लाख रुपया में से आपको इस लोन के 10 लाख रुपया में से 5 लाख रुपया को माफ किया जाता है बिहार सरकार द्वारा, और आपको 5 लाख रुपये 7 सालों में 84 किस्तों में आपको अदा करना पड़ता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्कीम, ये योजना कितना इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपना एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक है। सबसे पहले आपको बिहार के निवासी होना चाहिए, दूसरा आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, अगर आप इंटर पास नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको इंटर, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक का कोई डिग्री होना चाहिए, आपको इंटर के बराबर का जो भी डिग्री हो वो होना आवश्यक है, अगर आप इंटर पास नहीं है तो। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप ये आवेदन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, आपका उम्र 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, अगर आप इस एज के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और चौथा, आपके पास एक करंट अकाउंट होना आवश्यक है, चाहे वो आपके प्राइवेट नेम से हो चाहे आपके वो फर्म के नाम से, आपके पास करंट अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि करंट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए GST का जरूरत होता है। अगर आप पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पैन कार्ड से आप अपना पर्सनल करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी GST देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर अपने फर्म के नाम से अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको GST देना अनिवार्य होगा, आपको GST बनाना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना जरूरी है, तभी आप ये फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट में दे सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आप इसे नोट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, आप निवास प्रमाण पत्र को रेडी कर लेंगे। एंड सेकेंड में आप देखेंगे कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज होना जरूरी है, मतलब आप अगर इंटर पास है तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड तीसरा में आप देखेंगे आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। एंड चौथा में देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक का पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और आप किस किस और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द रेडी कर लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार को कोई परेशानी ना हो। एंड दोस्तों, ये फॉर्म 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब ये फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म फिल करके मैं आपको समझा दूंगा कि आप ये फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे वीडियोज देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं रहेगी, आप अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और आपके इस फॉर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलते रहे और आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।